गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और अब नीचे जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मैं सुबह इसलिए व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि लेट हो गई थी, भाई रोजे आज, तो इसलिए सब लोग नीचे बुला रहे हैं। तो मैं नीचे जा रही हूँ फटाफट, फिर आपको मैं पूरा रेडी होकर अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। मेरे से साड़ी नहीं बन रही थी अपनी, तो मैंने भाभी को बुलाया साड़ी बांधने के लिए। लो जी यहाँ पे साड़ी की चल रही है। ये नेट की साड़ी है तो इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। इन्हें वैसे हर साड़ी, इन्हें हर साड़ी में प्रॉब्लम होती है। छुड़िया 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 छुड़िया। अब भाभी आई है साड़ी के लिए, साड़ी एक्सपर्ट। वैसे साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तुम तो हो ही ग्रेट। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी अपना पूजा के बाद। अच्छा भाभी आप दिखा लो, भाभी दिखा रही है। उसके पास बताओ तुमको। मैं गाइस देखो इनके बारी है, ये देखो मेरा भाई भी आया है। देखो भाई वो है गाइस, हमारा भाई है देखो। अरे हट ना मम्मा, गाइस 12:15 हो चुके हैं और हम लोग दिल्ली के लिए निकल गए। यहाँ पर सबसे तिलक वगैरह करवा लिया, पूजा भी हो गई, अब हम लोग निकल गए दिल्ली के लिए। अब हमें एक लग जाएगा, एक डेढ़ घंटा लग जाएगा पहुँचने में। बोल शंकर भगवान की जय। गाइस आज मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल। गाइस 2019 का फ्लैशबैक, 2019 में भी सेम यही टीम खेल रही थी, इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में, और वहां पे इंडिया हार चुकी थी। बट आज देखते हैं, आज इंडिया जीतेगी, आज जीतेगी इंडिया, देखते हैं। खूब तगड़ा मैच होगा, पर हमसे तो वेट ही नहीं हो रहा। जल्दी से 2 बजे हम भी दिल्ली पहुंचे और मैच देखें। मैं अपने भाइयों को टिकट करके तुरंत हम लोग को फ्री होके मैच ही देखेंगे सबसे पहले। गाइस हर किसी को इंतजार है आज इस मैच के जीतने का, कि कोई नहीं भूला वो धोनी का रनआउट 2019 में, जो धोनी का रनआउट हुआ था कोई भी नहीं भूला उस चीज को। 2019 में धोनी खेला था जी। और धोनी सेमीफाइनल में धोनी का लास्ट बॉल पे रन आउट हो गया था, वो बहुत खराब मोमेंट था। लेकिन आज हम बदला लेके रहेंगे न्यूजीलैंड से। हम लेंगे बदला आज, तो डेफिनेटली हमारी इंडिया जीतेगी। चलो अब बाकी देखते हैं क्या होता है मैच में। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली घर पे। ये आ गई हमारी गली, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है हर टाइम। पापा रिक्शा उठा रहे हैं, कहाँ नहीं जा पड़ती। गाइस हमें दिल्ली जाम कर दिया। पहुंच गए हम घर, ये रखो ना। गाइस वेलकम बैक टू माय होम, यू आर होम। भालू कैसे आके बैठ गए तुम हैं? अभी रुको, अभी तुम्हारी भी टीका करूंगी, टेंशन मत लो। अब हम लोग करेंगे तिलक, बैठ गया ले। अब रिया की टर्न। अब हम टीका लगाने जा रहे हैं। हाँ तो हमें भी साथ में। हाँ सही बात। तो मैं भी गोली की पेंटिंग कर रही हूँ। मैं भी गोली की पेंटिंग कर रही हूँ। ये अपने से पसंद लगे ना इसमें। कोई मैटी का बदल लगा। मैटी का बदल। नहीं। मैटी का बदल कर रही हूँ। आज बात हो। आज तो खाई लेकिन। पार्क में इसका मैटी
वहां तक तुम जानो भैया, मैं आ रहा हूं भैया, अंदर आ जाएंगे। तू क्या करेगा? आ जाओ, मुझे 500 दे देना। 500 दे, 500 दे। गाइस अब हम लोग कर रहे हैं लंच, क्योंकि हम सबको लग रही है बहुत तेज भूख, और यहाँ बन रही है गर्मा गर्म कचौड़ी एंड पूड़ी। पूड़ी बन गई एंड अब कचौड़ी बन रही है। अच्छा, दोनों से लिए पूड़ी कचौड़ी लेके आ जाऊँ। ये हमारे चाचा जी। हाय गाइस, ये ब्लॉगर है हमारे चाचा। हमारा चैनल है शाली गुप्ता पिंक सिटी के नाम से, और yes, दोस्तों आप हमें मिल सकते हैं हमारे शिखा के चैनल पे भी। yeah. मैं कैसे चला जाऊँ? अभी से पैसे बचवाए हैं, बचवाए और मेरे पे होश। अरे होश नहीं खेलना था। अच्छा, मेरे पे 8-9-10 फिर चला गड्डी चला जा, और इसमें 10-11-12। अरे तो खेल, अरे एक चाल तो मैं भी चलूंगा या नहीं चलूंगा? अरे तो चला जा, मान जा। मानते नहीं है चाचा। अरे मैंने कहा तू मेरे को छोड़। यहाँ चल रहा है मैच, गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं दीदी के घर जाने के लिए, मतलब इनकी चाची के घर, क्योंकि दीदी आ नहीं पाई थी मेरे, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। वो लोग भी यहीं रहते हैं दिल्ली में, पश्चिम बिहार रहते हैं वो लोग, तो हम लोग उनके घर जा रहे हैं। मैंने यहाँ कर दिया अपने भाइयों के तिलक, अब मैं जा रही हूँ, हम लोग मतलब जा रहे हैं दीदी के यहाँ। गाइस आज कितना ज्यादा ट्रैफिक है ना, अभी तक हम पश्चिम बिहार नहीं पहुंच पाए, कश्मीरी गेट भी नहीं पहुंच पाए, कश्मीरी गेट भी नहीं पहुंच पाए हम लोग, बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है आज भाई दो जने से। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अंबिका विहार, बस कॉलोनी में एंटर कर दिया हम लोगों ने, एंड सबसे लास्ट वाला घर है चाची जी का। गाइस हम लोग आ गए अंदर, फोर्थ फ्लोर पे ना चाची जी? थर्ड पे। अच्छा, फर्स्ट सेकंड फ्लोर, थर्ड पे। ओके, हम लोग का वेट कर रहे हैं आगे लिफ्ट, क्योंकि स्टेयर से चढ़ने की मेरी हालत नहीं है, मैंने साड़ी बन रखी है, साड़ी में मैं चढ़ नहीं पाती। लेफ्ट से तक के सामने घर आ जाएगा, मैं बाल सही करते ये सर डांस कर लो। लाओ, दे दो चाचू को, दे दो। अच्छा किसको दोगे, मेरे को या चाचू को? हेलो।
हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि शाम हो गई है, हमें घर पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाएगा। हाँ मतलब थोड़ी सी रात होने लग गई है, घर पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाएगा, इसलिए हम निकल गए अभी। गाइस अभी निकले हैं जस्ट, और निकलते ही इतना ट्रैफिक मिल गया है, कॉलोनी से बाहर निकले अभी हम लोग। दिल्ली में चलना तो बस ये समझ लो कि आप ट्रैफिक के बिना तो आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते। दिल्ली से दिल्ली के अंदर नहीं आ पाएंगे हम लोग, मेरठ से दिल्ली आने में टाइम नहीं लगेगा इतना। हम दिल्ली से दिल्ली, जब हम आए तो हमें दिल्ली से दिल्ली में ही 1.5 घंटा लगा आने पे। नहीं दादा, हाँ 1.5-2 घंटे, और हम मेरठ से दिल्ली आ जाते हैं 1 घंटे में। और अब देखिए 7 बज रहे हैं, हम अभी निकले हैं और आपको हम दिखाएंगे हम किस टाइम पहुंचे हैं। पहुंचे गाइस, यहां पर बहुत तगड़ा मैच चल रहा है, न्यूजीलैंड के कितने रन हो गए हैं, 165 और 2 आउट हुए हैं, और यहां इनकी हालत खराब हुई पड़ी है। आज इंडिया जीतनी चाहिए कुछ भी हो कैसे भी करके। गाइस 8:15 हो चुके हैं, हमें 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो चुका है और हम 2 किलोमीटर भी पूरे नहीं आ पाए। हाँ सीरियसली इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना, मेरा इतना सर दर्द हो रहा है, सच बता रही हूँ। तो साड़ी पहन रखी, इतना हैवी हैवी से हो रहा है, सर भी इतना दर्द हो रहा है मेरा, बहुत हैवी हो रहा है मेरा सर भी, नींद आ रही है बहुत तेज, पता नहीं कब घर पहुंचेंगे, कब ये ट्रैफिक खुलेगा समझ ही नहीं आ रहा। गॉड परेशान हो गया आज तो, इस ट्रैफिक ने बहुत परेशान कर। गाइस 9 बज चुके हैं और हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे, हमें यहाँ से 15 मिनट्स और लगेंगे, मतलब अभी पूरे 9 बजे तक पहुंचेंगे हम, 9:05 तक हम पहुंच जाएंगे, पूरे 2 घंटे लगते हैं गाइस दिल्ली से दिल्ली में ही। इतना ट्रैफिक है ना गाइस, सच में अभी तक इतना ट्रैफिक है, दिमाग खराब हो गया, सर दर्द हो गया, और एक तो मैच देख देख और सर दर्द को हो रहा है, इंडिया वाले पता नहीं क्या ही कर रहे हैं आज, समझ ही नहीं आ रहा। फिर रोहित ने बॉल दे दी जडेजा के हाथ में, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है इंडिया वालों का भी आज, बट उन पे भी प्रेशर होता है इतना, हम लोग तो सिर्फ बैठे बैठे बोल ही सकते हैं, उन लोगों के पास कितना प्रेशर है ये किसी को नहीं पता। वन मोर विकेट, मजा ही आ गया अब तो, अब जैसे हम घर पहुंचे हैं एक और विकेट हो गई, मजा आ गया। इतनी देर से कह रहे थे शमी को बॉलिंग कराओ, कमेंटेटर भी बोल रहे थे कि शमी को बॉलिंग दो। हां हां भाई शमी को मिल गया, खुश हो जाओ अब। पहुंच गए हम लोग घर फाइनली, करेक्ट 9 बजे घर पहुंचे हैं, ये रही हमारी गली, पहुंच गए हम लोग घर, हम लोग घर पहुंच गए हैं फाइनली इतने ट्रैफिक के बाद, एंड भैया भी आ गए डांस सिखाने के लिए। ऊपर से पानी बोतल ले। हेलो मोजो, मैं मोटी हूँ ये आप नहीं, बस थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ जी। यार ये पहुंच नहीं पा रहा हूँ, किसी की जुबान उबान है तो पहुंच पाएगी। अब हम करेंगे डांस रैंडम बिना बताए, वो क्या ही करता है, मैं बैठ के देख रही हूं। ओए आप ही मेरा मजाक बनाना स्टार्ट हो गया, लेटी थी मैंने कहा खड़े हो ये क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं एक वीडियो बनानी तुम्हारा, अगर बता देता तो नहीं बनाती, मैंने कहा खड़े हो, मैंने कहा कपड़ा ले लो मैं इधर साफ करूंगा, तो इधर इधर करना, बस इतना कह देना कि मेरा हाथ नहीं पहुंचा तुम साफ कर दो बस, जीना तो खड़ा था मैं क्या बोलूंगा, मैंने कहा यानी मेरा हाथ नहीं पहुंचा, जवान ट्राई कर लो, जवान ट्राई कर लो, मैंने कमेंट करा लो ये मैं क्या आवाज ही जा रहा है। मैं घर आ चुकी हूँ एंड अब हम लोग करेंगे डांस की प्रैक्टिस चेंज वगैरह करके। ये सब लोग लाइव में देख रहे हैं मेरे को, और दोस्तों अब डांस की प्रैक्टिस कर लेंगे, हम मिलेंगे सीधा कल के ब्लॉग में। इंडिया की खुशी में अब हम तोड़ेंगे बम, अब हम लोग जा रहे हैं छत पे बम फोड़ने के लिए, आ देखो मैं ऊपर चढ़ गया, हां अभी तक नीचे बम फोड़ा था छत पे जा रहे हैं। मैं थक चुकी हूँ, इतने टाइम बाद इतनी सारी स्टेयर्स चढ़ गए, सांस फूलने मेरी अब चढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं है, बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं।
सब लोग आ चुके हैं छत पे। सब लोग आ चुके हैं, थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है। अरे पापा आगे भगाएंगे इसको। कौन चलाया? मेरे को जलाने थे बम पटाके। देखा कहाँ से चले? कैसे हो रही है? चौक बंद है, चौक बैठी होती है तो अच्छा तूने नीचे नहीं करा? ये कह रहा था नीचे किया? क्यों? था नीचे कब आया? तो बोलो मेरी तरह। ये दोनों कह रहा गाइस, अब हम लोगों की हो रही है रोल पार्टी। भाभी हम लोगों के लिए रोल लेके आई है। जल्दी पकड़ो यार, ठंडा हो रहा है। ये कौन सा रोल है भाभी? ये हल्का फुल्का पनीर रोल है। अच्छा, पनीर रोल से बढ़िया है। नीचे ना तुझे पता, ये छोड़ दे को। अब छोड़ो है। गाइस इंडिया जीत चुकी है, हम लोगों ने डांस की प्रैक्टिस भी कर ली है। अभी सब लोग बातें कर रहे हैं, सब लोग मिलके। तो इसलिए मेरा आज का व्लॉग भी लेट पोस्ट हो रहा है क्योंकि इंडिया का मैच देख रहे थे हम लोग। क्या मैंने सोचा कि जब इंडिया जीत जाएगी तभी मैं उसके बाद भी व्लॉग पोस्ट करूंगी अपना। तो सब लोग बहुत खुश हैं, हमने इस खुशी में पटाखे भी चला लिए बहुत सारे और डांस की प्रैक्टिस भी कर लिया। तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, लव यू ऑल।